नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल कला सेशन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लेकर आया हूं कला से लगभग मैथ एक्सरसाइज 13.2 कैसे सीना है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको हम बताएंगे इस वीडियो में, पांच नंबर, पांच के पहला क्वेश्चन है। देखिए वन है, थ्री है, फाइव है, सेवन है और आपका ये नाइन है और एलेवन है। कह रहा है क्रम गुणित में बदलना है, यानी कि फैक्टोरियल के रूप में इसको बदलना है। तो देखिए कैसे बनाना है आपको। यहाँ पर 11 तक है तो हम देख रहे हैं 1 से 11 तक में हमको यहाँ संख्या चाहिए। हम यहाँ लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक तो हम लिख दिए। अब क्या है कि इसमें जो दिया है उससे हम ज़्यादा लिख दिए। यहाँ पर जो संख्या दिया है इंटू इंटू में करके है, यहाँ मतलब हम यहाँ तक लिख दिए। अब कौन कौन ज़्यादा है नीचे लिख देंगे। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और हमारा 10 है, क्योंकि ये फिर कट जाएगा तो हमारा इतना बचेगा, लिख सकते हैं। अब देखिए 1 से 11 तक है, इसको हम लिख सकते हैं 11 फैक्टोरियल, इसको लिख देंगे। अब इसको हम नीचे फैक्टर करेंगे तो 2 हो गया, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 और 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 11 फैक्टोरियल। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ हम 1 से भी गुणा कर सकते हैं तो लिख सकते हैं यहाँ पर 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। यहाँ पर समझिए 1 2 खत्म हो गया और 2 2 4 खत्म हो गया और 3 खत्म हो गया, 5 खत्म हो गया। क्या बचा, 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5 लिख सकते हैं क्योंकि इतना बच गया हमारा। अब हम इसको लिख सकते हैं 11 फैक्टोरियल आई 5 को, इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5 और फैक्टोरियल 5, क्योंकि फैक्टोरियल 5 का अर्थ इतना होता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से पांचवा का पहला हमारा बन गया। आगे देखिए, आगे अब आपका क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए आगे क्या क्वेश्चन है हमारा, छठवा नंबर क्वेश्चन देखिए। छठवा का पहला क्या है, दिया है फैक्टोरियल 2 और प्लस फैक्टोरियल 3 बराबर 5, फैक्टोरियल 5 कह रहा है कि सत्य है कि असत्य है। तो पहले हम जो है LHS निकाल लेंगे, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, तो 2 का अर्थ हुआ 1 गुणे 2, 3 का अर्थ हुआ 1 गुणे 2 गुणे 3, हो गया 2 और 3 दूना 6 यानी कि 8 आ गया। अब फैक्टोरियल 5 का अर्थ हम क्या जानते हैं, यहाँ पर हम RHS लिख लेंगे, RHS फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 होता है 120, तो यहाँ LHS RHS बराबर है, नहीं है। जब LHS बराबर RHS बराबर नहीं है तो लिख देंगे क्या है, ये असत्य है। क्या है, असत्य। इस तरह से आपको छठवां नंबर में जो सवाल है आपको चेक कर देना है कौन सत्य है और कौन असत्य। देखिए तीसरा नंबर सवाल है इसी में, अब 6 के 3 नंबर सवाल है, फैक्टोरियल 8 बटा है फैक्टोरियल 4 बराबर कह रहा है कि फैक्टोरियल 2 है। तो देखिए 8 को लिख सकते हैं 8 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 आ गुणे फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 बटा में फैक्टोरियल 4 बराबर फैक्टोरियल 2। और देखिए 4 से 4 कट गए, इधर हो गया 8 7 6 5 और फैक्टोरियल 2 मतलब कि 2 हो जाएगा। तो देखिए ये होगा बराबर, नहीं होगा, तो ये भी क्या है आपका, असत्य है। ठीक है, ये आपको सिर्फ बताना है सत्य और असत्य, ये भी असत्य है। इस तरह से आप 6 नंबर क्वेश्चन बना सकते हैं। अगले वीडियो में आपको हम 7 नंबर क्वेश्चन बताएंगे।